ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो वीडियो लाई हूँ वो मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो है, जो कि बिना फाउंडेशन के है, लेकिन पॉन्ड्स बीबी क्रीम से है। और मैं आज ही मेकअप के साथ, मेकअप ट्यूटोरियल के साथ या मेकअप लुक के साथ ही इसका रिव्यू भी कर देना चाहती हूँ, जिससे कि पता चले कि ये कैसा है। मैंने पहले भी यूज किया हुआ है इसको, और देखिए कैसा लगता है मुझे। मैं अभी आपको लगा के बताती हूँ, मैं आपको यूज करके बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाते हुए शुरू करते हैं। मैंने अपना स्किन केयर अभी कर लिया है, उसका भी मैंने वीडियो शूट किया है, वो भी आपके पास आज से कल तक पहुंच जाएगा। तो स्किन केयर के आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमर। ये प्राइमर जो है, ये मैंने NYBE का प्राइमर लिया हुआ है, सिलिकॉन बेस, काफी अच्छा प्राइमर है, आपके मेकअप को और एनहेंस कर देता है और पोर्स को ये फिल कर देता है। ये पोर को मिनिमाइज नहीं करता है, ये पोर्स को फिल कर देता है। अगर आम भाषा में कहिए तो ये एक फेस में पुट्टी का काम करता है, क्लियर बना देता है, जिससे कि आपको मेकअप और अच्छे से ग्लाइड होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। क्योंकि अगर पोर्स ओपन रहते हैं तो उसमें हमारा मेकअप घुस जाता है और ऑक्सीडाइज होने लगता है, जिससे कि बहुत केकी और ग्रेजी होने लगता है। सबसे पहले टीजोन पे प्राइमर लगाते हैं, फिर मैं उसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेते हैं। टीजोन पे इसलिए लगाते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस करके करते हैं कि पोर्स फिल हो जाए। ये भी मैंने अभी कुछ ही हफ्तों में सीखा है जी। प्राइमर के बाद अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, पॉन्ड्स बीबी क्रीम। ये देखिए गाइस, ये 140 का था, लेकिन 120 का ऑफर में मिला है मुझे, और मैंने मार्केट से ही लिया है। मैंने ऑनलाइन इसको नहीं परचेस किया, क्योंकि ऑनलाइन काफी देर में आजकल डिलीवरी हो रही थी, तो मैंने इसको तुरंत ले लिया था। प्राइमर के बाद बारी आती है पॉन्ड्स बीबी क्रीम की। इसको मैं फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पे डब डब कर लेते हैं, थोड़ा सा लेके गले में, जिससे कि अनइवन टोन स्किन ना दिखे। अब इसको आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, ये देखिए, इसको मैंने डैम करके स्क्वीज कर लिया है, और ये देखिए, इसलिए इस साइज में भी थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। चलिए इससे कर लेते हैं, कभी भी रगड़ के नहीं करना है हमको, इस तरह से करना है। और कवरेज चाहिए होगी तो दोबारा हम लगा लेंगे। मैंने सब हाथ के आसपास ही रखा है कि ढूंढना ना पड़े। शुरुआत के वीडियो में मुझे सामान इधर उधर से ढूंढ के निकालना भी बहुत मुश्किल होता था, सामने रखने के बावजूद उसको खंगालना पड़ता था। इसको काफी अच्छे से कर लेना है। देख सकते हैं किस तरह से इसको, और ब्यूटी ब्लेंडर से लगाने पे ये इवन सा फैल रहा है, कहीं सफेद सा कहीं अजीब सा नहीं हो रहा है। ये आपको पॉन्ड्स जो है वो फेयरनेस के साथ साथ, एक स्किन टोन लाइन होने के साथ साथ ये मेकअप पर भी इफेक्ट देता है। के लिए कॉम्पैक्ट, जो कि मैं ये SFR का मैट कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है गाइस, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सजेशन दे सकती हूँ मैं आपको, रिकमेंड कर सकती हूँ, फोर्स नहीं कर सकती हूँ। सेट कर लिया गाइज, अगर हम बीच में थोड़ा सा वो भूल गए थे,
ये अपना कंसीलर यूज करना भूल गए थे, तो कंसीलर के लिए थोड़ा सा कंसीलर यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंडर आई, हल्का सा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो एज फैक्टर भी हो सकता है गाइस। ये तो नहीं कह सकती कि कोई और वजह हो सकती है या कुछ है, लेकिन इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही स्मच कर लेती हूँ। इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। गाइज मुझे आई शेडो के लिए मैं एक पिंक कलर का जो ब्रश है वो ट्रांजिशन शेड पे लगाऊंगी। खाली ट्रांजिशन शेड पे ही मुझे यूज करना है, क्योंकि मेरी मुझे अपनी आईज जो है वो ब्राउन दिखानी है, ब्राउन मेकअप है, ब्राउन आई शेडो है और रेड लिप्स है। ये देखिए गाइज मैंने ब्लशर से ही पिंक को ट्रांजेक्शन शेड पे लगा लिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अब जो है मुझे जो कलर जो पिक करना है वो है ब्राउन शेड का। आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट हो उसमें से आप ब्राउन शेड, अगर आपको ब्राउन आई शेडो मेकअप चाहिए तो आपको ब्राउन जो है शेड पिक करना पड़ेगा। ये मैं अपने आईलेट पे अच्छे से हम कलर को तब तक पिक करेंगे जब तक कि मुझे डिजायर शेड नहीं मिल जाएगा। अच्छे से हम लोग का कलर आ जाए ब्राउन, फिर इसको अच्छे से ब्लेंड भी करना होगा। आउटर कॉर्नर पे भी स्मच कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये हम लोग ने इसको अच्छे से वो नहीं लगाया होता, कंसील नहीं किया होता, कंसीलर नहीं लगाया होता, ये अच्छे से ये इतना सुंदर कलर उभर के ना आता। ब्रो भी फिल कर लेते हैं। अब जो है दोस्तों अगर कोई भी फॉल आउट हमारे उसके फेस पे हुआ हो नीचे, तो उसको हम ब्रश से झाड़ देंगे। देख सकते हैं आप। तो अब जो है आगे आईलाइनर की बारी। आईलाइनर के लिए हम जो है लगाएंगे
स्टे क्वेरी का काजल आईलाइनर, ये काजल का भी काम करता है, आप नीचे लोअर लैश पे भी लगा सकते हैं, ऊपर एज अ आईलाइनर भी आप लगा सकते हैं। फॉल आउट झाड़ने के लिए एक बार और हम फेस पाउडर से इसको सेट कर लें नीचे। ब्लेशर की बारी, कंटूर करना, थोड़ा सा हल्का सा कंटूर कर लेते हैं, कंटूर भी तो हमारा रह गया है, काफी बार मैं भूल जाती हूँ आजकल, पता नहीं कैसे भूल गई थी। इसी में से ब्राउन शेड लूंगी, ब्लेंड कर लेंगे। कंटूर करने से आपका फेस को एक डायमेंशन मिल जाता है, वरना थोड़ा सा फूला फूला सा चेहरा लगता है। तो अब आते हैं ब्लश की बारी। ब्लश के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का बेक ब्लश और हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पिंकी पिंकी सा आ रहा है, पिंक ग्लो। इसी में से ये देखिए हाइलाइटर शेड लेके, ब्रो बोन को भी कर लेते हैं हाईलाइट लाइट शेड से। हाईलाइटर मुझे काफी पसंद है। देख सकते हैं आप मेरा अच्छा सा लुक आ रहा है। लिपस्टिक के लिए हम जो है रेड लिपस्टिक ले रहे हैं, जो मैं स्टेक वर्की का जो मिनी लिपस्टिक्स मैंने लिया था, जिसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पे किया हुआ है। तो देखिए गाइस कैसा लुक आ रहा है, कैसा लग रहा है। अब अपने मेकअप को जो है हम सेट करने के लिए, मेकअप को सेट करने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लेते हैं, 20 समथिंग का सेटिंग स्प्रे। गाइस देख सकते हैं आप मेरा ये कैसा लुक आया है। बीबी क्रीम से आपको मेकअप मेरा कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ बीबी क्रीम से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा ये मेकअप लुक पसंद आता है, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे देखिएगा। दोस्तों आप मेरा लुक देख सकते हैं,
मेहनत करती हूँ तो बोलने का हक भी रखती हूँ कि जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले मेकअप पे, अगले रिव्यू पे या अगले किसी भी टॉपिक पे, आपसे मिलते हैं।